मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के तहत इंदौर में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें नगर निगम महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सफाई मित्रों का सम्मान किया। इस दौरान निगम अधिकारी सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। स्वच्छता में छक्का लगाने के बाद इंदौर नगर निगम ने अब 7वीं बार नंबर 1 बनने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके चलते न सिर्फ महापौर पुष्यमित्र भार्गव और नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल प्रतिदिन सुबह साफ सफाई व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, बल्कि स्वच्छता अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सफाई मित्रों की हौसला अफजाई भी की जा रही है। इसको लेकर विजयनगर जोनल कार्यालय पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने प्रशस्ति पत्र उपहार देकर सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। और आदत को आदत बनाए रखने की ही बात कहने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के 67वें स्थापना दिवस के उपलक्ष में पूरे मध्य प्रदेश में एक सप्ताह भर अलग अलग कार्यक्रम चलने वाले हैं। आज इंदौर, जो कि स्वच्छता में लगातार भारत का सिरमौर है, और स्वच्छता के माध्यम से स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान की प्रेरणा और मार्गदर्शन से हम सब लोग मिलकर स्थापना दिवस का भव्य आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी अध्यक्ष श्री अश्विनी शुक्ल जी, पार्षदगण सुरेश जी, महेश जी, मनीषा जी, सोलंकी जी, एडिशनल कमिश्नर सिद्धार्थ जैन जी, महेश शर्मा जी यहाँ उपस्थित, इंदौर की जागरूक जनता, हमारे सभी अधिकारी, सफाई मित्र, कर्मचारी, इंदौर मध्य प्रदेश पूरे भारत में स्वच्छता का सबसे अच्छा प्रदेश है, और उसी प्रकार इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान की ये प्रेरणा है कि ये सप्ताह भर अलग अलग आयोजन मध्य प्रदेश में स्थापना दिवस के अवसर पर हो। आज के दिन स्वच्छता के जो हमारे सफाई मिस्त्री हैं, सफाई स्वच्छता के जो प्रहरी हैं, उनका सम्मान, धार्मिक स्थलों का, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का विशेष सफाई अभियान आज पूरे इंदौर शहर के सभी जोनों में अलग अलग चलाया जाएगा। हम और जोन क्रमांक 8 की टीम, यहाँ जोन क्रमांक 8 पर उन्होंने सफाई मित्रों का सम्मान किया है। इस क्षेत्र में आने वाले जितने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनका विशेष सफाई अभियान भी होगा। और साथ ही हम लोग पिछले 3 दिनों से लगातार इंदौर शहर के अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर सफाई का चेकिंग अभियान भी चला रहे हैं, सफाई मित्रों का प्रोत्साहन भी कर रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर जो आयोजन किए जा रहे हैं, ये निश्चित तौर पर सभी को प्रेरणा देंगे, प्रोत्साहन देंगे कि सभी लोग मध्य प्रदेश और सक्षम मध्य प्रदेश की ओर अपना योगदान दें। अब लगातार औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं, कई लापरवाहियां भी सामने आ रही है, इंदौर में सभी लोग एक दूसरे की चिंता करते हैं। हम अपने काम की चिंता कर रहे हैं, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, और जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं उनको दंड देके समझाना भी आवश्यक है। इसलिए आज भी हमने जहाँ जहाँ गड़बड़ी पाई है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आज वार्ड क्रमांक 36 में सुरेश कुरवाड़े जी, जो गांव के पार्षद हैं, अश्विनी शुक्ल हमारे वार्ड का दौरा भी किया, तालाब का भी निरीक्षण किया जिसको सुंदर बनाने के निर्देश दिए हैं, और जो गड़बड़ियां पाई गई थी उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं सोयाबीन कटने वाले हैं, उसके बाद पराली एक बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वहीं से पॉल्यूशन एकदम से लेवल बढ़ जाता है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, एक ऐसा बड़ा विषय है जिस पर मैं आज आपको तुरंत नहीं कह सकता कि मेरे कहने से वो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन एक प्लान करके किसानों के बीच में जनजागरण लाके और कई प्रकार की जो भी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, जो किसान अगर खेत में यूज़ करें तो उस पराली को जलाना ना पड़े, तो ऐसे कुछ जनजागरण के अभियान चलाकर इसको ज़रूर हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इसका हम प्रयास करेंगे, लेकिन वन टाइम फार्मूला उसका तो मेरे पास भी नहीं है, तो मैं आपको कोई विजयनगर जोनल पर हुए सम्मान समारोह में महापौर के साथ स्वास्थ्य प्रभारी अश्विनी शुक्ला एवं क्षेत्रीय पार्षद मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंदौर।